दुनिया के व्यापार में सबसे अहम रोल निभाने वाला लाल सागर पिछले कई महीनों से सबसे खतरनाक सी रूट बन गया है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों के तांडव ने लाल सागर से गुजरने वाले इसराइल और पश्चिमी देशों के कमर्शियल वाहनों का निकलना लगभग असंभव कर दिया है। हूती लड़ाकों के बार बार ड्रोन और मिसाइल हमलों से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इसके तहत ये महत्वपूर्ण मार्ग अब एक नए और भयानक खतरे का सामना कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने अब मानव रहित अंडरसी ड्रोन को तैनात कर इसराइल समेत पश्चिमी मुल्कों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ईरान समर्थित यमन के हूतियों की ओर से यूयूवी मतलब अनमैन्ड अंडरसी व्हीकल का इस्तेमाल मौजूदा लाल सागर संकट को और विकराल कर सकता है। बताया जाता है कि हूतियों के ये समर्सिबल ड्रोन सैन्य पनडुब्बियों जितने ताकतवर नहीं है, मगर ये सतह और हवाई खतरों का मुकाबला करने के इरादे से डिजाइन किए गए नौसैनिक अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर सकते हैं। हूतियों के हाथ लगे इस नए और खतरनाक हथियार यूयूवी से अमेरिका समेत उसके गठबंधन ताकत पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पहले से ही खतरनाक हालात के बीच इस नए और खतरनाक हथियार की नुमाइंदगी कर सबको सख्ते में डाल दिया है। मालूम हो कि बीते मार्च महीने में लाल सागर के नीचे 3 कम्युनिकेशन केबल्स को नष्ट करने के आरोपों पर से हूती ने इनकार किया था, मगर लाल सागर में जिस तरह से हूतियों ने ताबड़तोड़ हमले कर दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया है, उसके बाद से इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि कम्युनिकेशन केबल को तबाह कर यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट कम्युनिकेशन को तोड़ने में कहीं ना कहीं हूती का ही हाथ था। और अब माना जा रहा है कि सैन्य पनडुब्बियों की तुलना में ये कम लागत वाली यूयूवी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। हालांकि हूतियों के यूयूवी की ऑपरेशनल रेंज और पेलोड पावर अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, मगर इसकी रेंज लाल सागर के भीतर कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करने का मादा रखती है। दावा किया जा रहा है कि हूतियों के मानव रहित अंडरसी हथियार सैन्य ग्रेड के समुद्री ड्रोन के मुकाबले कमजोर हैं, जो कि पूर्व निर्धारित टारगेट पर ही हमला करते हैं, मगर इनकी सरलता की वजह से ही इन्हें मौजूदा दौर के डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। साथ ही सतह और हवाई खतरों का मुकाबला करने वाले हथियार समुद्र के नीचे ड्रोन के खिलाफ काफी हद तक बेअसर रहते हैं। यही वजह है कि यूयूवी का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए सोनार तकनीक और समुद्र के नीचे सर्विलांस सिस्टम कारगर साबित होते हैं। बहरहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लहरों के नीचे छिपे हूतियों के इस नए जाल में अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन लगातार फंसता जा रहा है। ये देखना काफी अहम रहेगा कि पश्चिमी देश इससे कैसे निपटते हैं।